ये देखिए इस आज हम बहुत अमेजिंग अमेजिंग से ट्रिक और ट्रिक्स लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग है आप बोल यही बोलेंगे कि सच में पहले पता होता तो हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती तो चलिए देखते हैं

तो ये देख सकते हैं इस तरह की जो छोटी छोटी सी बोटल्स होती हैं उनमें रिफाइंड ऑयल भरना या फिर घी भरना क्योंकि इस समय गर्मी है तो आप इस तरह से डिब्बों में घी भी नहीं भर सकते ऑयल भरना हो कुछ भी भरना हो भर नहीं सकते लिक्विड चीज़ तो लिक्विड चीज़ के लिए क्या करना है इस तरह से जो क्लैचर होता है या फिर कोई डंडी भी आप ले सकते हैं लकड़ी भी ले सकते हैं इस तरह से आप सपोर्ट दे करके आप छोटी सी छोटी मुँह की बॉटल में भी रिफाइंड ऑयल ऑयल या फिर कोई भी चीज़ आप भर सकते हो देख सकते हो ये हमने रिफाइंड ऑयल भरना है तो देखिए एक भी बूंद बाहर नहीं निकल रहा है सारा का सारा ऑयल इसी डिब्बे में जा रहा है तो आपको समझ में आया होगा ये ट्रिक ये शायद बहुत यूजफुल ट्रिक है क्योंकि हमारे लिए तो बहुत यूजफुल है क्योंकि छोटी से छोटी चीज में हम इस तरह से ऑयल भर सकते हैं तो किसी चीज का भी सपोर्ट ले सकते हो आपके पास बाई चांस आप लकड़ी नहीं यूज करना चाहते या इस तरह से क्लैचर नहीं यूज करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है आप इस तरह से नाइफ भी यूज कर सकते हो जो कि सबके घर में होता ही होता है और आप तो पीलर भी ले सकते हो मतलब एक सपोर्ट चाहिए उसको कि ऑयल उसकी सहायता से आसानी से गिर जाए तो नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए इस तरह से अगर आपके सरफेस पर ऑयल गिर जाता है तो आटा ले लीजिए आटे को इस तरह से बिछेर दीजिए इस पर ऑयल पर बिखेर देंगे ना आटे को तो क्या होगा कि जितना भी ऑयल पड़ा होगा आपके फर्श पर किचन काउंटर पर कहीं पर भी वो सारा का सारा सोप कर लेगा आटा जो है वो सोख कर लेगा तो क्या होगा ना इससे आपका कपड़ा नहीं गंदा होगा अगर आप इसे कपड़े से मतलब पोछ देते हो ना तो क्या होता है आपका कपड़ा भी गंदा होता है सरफेस भी अच्छे से साफ नहीं होता है दिक्कत हो जाती है तो ये देख सकते हैं इस तरह से सारा का सारा आटा में आ गया है जो हमारा रिफाइंड ऑयल था तो बिल्कुल अच्छी ट्रिक है तो इस तरह से आप फैला सकते हैं देखिए इस तरह के कांच की जो बोतल होती है वो आप ले सकते हो इस तरह से नाइफ उसमें घुस मतलब लगा कर रख सकते हो ये नॉर्मल राइस हैं जो कि आप लोग खाते हो कांच की बोतल इस तरह से पड़ी रहती है तो आप इस तरह से देखिए स्टैंड बना सकते हो अपनी कैची और नाइफ के लिए इस तरह से एक तो इससे दो फायदे हैं एक तो ये बढ़िया से लगा रहेगा दूसरी चीज ये है कि इस तरह से रखने से ना इस चाकू में कैंची में धार रगड़ लगेगी रगड़ लगने की वजह से आपकी चाकू की धार बहुत तेज रहेगी बहुत अच्छी रहेगी तो ये देख सकते हैं नेक्स्ट ये हमारे बच्चे ने बनाया था तो हमने उसको बताया था तो ये बनाया था देखिए कुछ नहीं पंखे का या किसी चीज का इस तरह से बॉक्स बौ, जैसा हो तो नीचे तली में एक कागज चिपका दीजिए अच्छे से तो देखिए कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है इसे बच्चे ने बाद में पेंट वगैरह भी किया था अच्छे से और ये देखिए इसको आप पेंस स्टैंड मोबाइल स्टैंड के रूप में भी यूज कर सकते हो जैसे किचन में कोई रेसिपी वगैरह बना रहे हो तो आप इस तरह से रख करके आप देख सकते हो रेसिपी उसकी और फिर बना सकते हो आसानी से आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं देखिए बहुत जल्दी जल्दी ट्रिक्स बता रहे हैं आपको जिससे कि आपको दिक्कत ना हो तो ये ले लिया एक ग्लास उसमें ले लिया एक स्पून डिटर्जेंट पाउडर कोई भी अब ये ले लिया है बेकिंग सोडा और गर्म पानी ऐड कर देंगे इसमें ये देख सकते हैं थोड़ा सा हिला देंगे घुल जाए अब इसमें कंगे जितने भी आपके घर में कॉम हैं सारे डाल दीजिए और देखिए इसको आपको बस अच्छे से मसलना भी नहीं पड़ेगा सारे के सारे कॉम अपने आप ही साफ हो जाएंगे ये देख सकते हैं बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये देख सकते हैं कितना साफ हो गया देखिए पास से बिल्कुल दिखा रहे हैं आपको कितने अच्छे से साफ हो गए बिल्कुल भी और देखिए वॉश कर दिया सौ, सिंपल पानी से कोई ब्रश नहीं लगाया कुछ नहीं लगाया और आपके ब्रश आपके जो कंघे हैं वो बहुत आसानी से साफ हो जाएंगे नेक्स्ट एक देख लीजिए आटा से रिलेटेड देखिए ये आटा हम पानी में घोल रहे हैं तो आपको घोल कर दिखा रहे हैं इस तरह से देखिए अगर आपको ओरिजिनल आटा है ना तो ये आपका बैठ जाएगा पानी में घुलने के बाद देख सकते हैं अगर इसमें चोकर या किसी तरह की भूसी वगैरह मिली होती है मिला देते हैं सभी लोग या कोई दिक्कत कोई चीज मिली हो तो जो चोकर वगैरह मिला होगा ना तो वो ऊपर पानी में तैरता रहेगा आटा आटा नीचे बैठ जाएगा तो देख सकते हैं जैसे कि आप लोग को हमने ब्लॉग में दिखाया भी है कि हम गेहूं अपने घर में का ही पिसवाते हैं साफ करके फिर पिसवाते हैं उसी हिसाब से आप देख सकते हैं ये आटा देखिए दो मिनट नहीं हुआ है कि पानी आटा जो है पानी के नीचे बैठ गया और पानी पानी साफ निकल आया देखिए ये देखिए नीचे आटा बैठा हुआ है तो अगर आटा आपका ओरिजिनल होगा तो ये नीचे बैठा रहेगा नेक्स्ट ट्रेप देख लीजिए इस तरह से एक बड़े बर्तन में ले लेंगे पानी देखिए जिसमें हमने कंघे साफ किए थे वो ग्लास का पानी भी इसमें ऐड कर दिया है सिंपल इसमें नमक ऐड कर देंगे और डिटर्जेंट पाउडर कुछ नहीं अगर आपके पास वो कंघे साफ करने वाला पानी नहीं है तो आप एक बाउल पानी ले लीजिए उसमें नमक डाल दीजिए डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए बेकिंग सोडा डाल सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं हमारे हमने कंघे साफ किए थे तो तो बेकिंग सोडा पड़ा था पानी में कोई दिक्कत नहीं इस तरह से आपके किचन काउंटर पे जितने भी किचन में टाइव्स वगैरह है गर्म पानी में सारे डाल दीजिए इस तरह से और इससे देखिए नमक वाले पानी से अपने गैस को साफ करेंगे और मक्खियाँ देखिएगा एकदम छू अंतर हो जाएंगी इतनी जल्दी भागेंगी मक्खी मक्खियाँ और आपका जो गैस भी है वो भी अगर उसमें भी चमक नहीं है साइन नहीं है गंदा है बहुत ज्यादा तो ये भी साफ हो जाएगा अच्छे से ये देख सकते हैं गैस हमारा बढ़िया से साफ हो गया और मक्खियां भी लगभग लग दूर भाग गई हैं तो आप देख सकते हो और किचन काउंटर के जितने मतलब सॉरी किचन में जितने भी कपड़े हैं सारे के सारे गर्म पानी में इसी में डाल सकते हो आप और जितने भी चिपके हुए कपड़े हों सारे के सारे कपड़े आपके साफ हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आप देख सकते हो ये किचन नीचे जहां पर हम सरफेस पर सामान रखते हैं वहां पर भी बहुत गंदा हो जाता है तो बस वही पानी ले लेना है गुनगुना देखिए थोड़ा सा धुला हो रहा है क्योंकि एक कलर हो जा रहा है इस वजह से तो ये देखिए बिल्कुल ये देखिए हाथ रख दिया तो दिखने लगा ये देखिए गाइस सारा का सारा किचन काउंटर हमारा साफ हो गया अब ये कपड़े हम सारे इसमें डालकर डिप करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए उसके बाद इसे मसल देंगे तो ये आसानी से सारे के सारे कपड़े साफ हो जाएंगे बिल्कुल भी गंदे नहीं रहेंगे तो देखिए वीक में एक बार जैसे वैसे तो वीक में दो बार करना चाहिए मगर आप दो बार नहीं कर पाते हो आपके आपने बहुत ढेर सारे ले रखे हैं किचन काउंटर मतलब सॉरी किचन के कपड़े वगैरह तो आप वीक में एक बार सारे कपड़ों को जरूर गर्म पानी में डालना चाहिए देखिए नमक डाल दिया हमने सिंक में नमक डाल दिया है ठीक है अब यही पानी हम क्या करेंगे गर्म गर्म पानी जो है वो अपने सिंक में डाल देंगे देखिए पहले बेकिंग सोडा डाल दिया देखिए नमक डाला है बेकिंग सोडा डाला है अब इसमें हम वही गर्म पानी देखिए अगर आपके पास इस तरह का गर्म पानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आप नॉर्मल गर्म पानी डाल सकते हो मगर हमारे पास इस समय मौजूद था तो हम क्या करेंगे यही गर्म पानी डाल देंगे इससे क्या होगा ना जो बेकिंग सोडा डाला है और सोडा डाला है दोनों चीजों में ना एक रिएक्शन होगा जा करके नमक में तो जब रिएक्शन होगा ना पाइप में कितनी भी आपकी ब्लॉकेजेस हो सारा ब्लॉकेज साफ हो जाएगा बहुत आसान ट्रिक है बहुत अच्छी ट्रिक है इस तरह से हम किचन साफ करते हैं अपना पाइप वगैरह में में देखिए वी ये काम आपको वीक में दो बार करना चाहिए क्यों क्योंकि किचन में पाइप में अगर एक बार ब्लॉकेज लग जाती है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है इस वजह से तो चलिए देखिए बर्तन वगैरह धुलने की वजह से सिंक हमारी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी इसमें बहुत ज्यादा खारे पानी के जो दाग धब्बे थे वो लग गए थे इसलिए साबुन डिटर्जेंट पाउडर ले लिया है हम बर्तन माजते हैं, और एक ले लिया है हमने कोई भी कोई भी टूथपेस्ट ले लीजिए प्रॉब्लम नहीं है इस पे नमक डाल दिया है देखिए अब क्या करेंगे इस तरह से हम रब करेंगे अपने सिंक के चारों तरफ जहां पर ज्यादा दाग धब्बे पड़े हुए हैं ठीक है थीके? इस तरह से अब ये देख सकते हैं और अभी आप देखिएगा किचन जो सिंक है किचन की एकदम साफ चमक जाएगी और ये प्रोसेस आप रात में अगर करके डालते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है अगर आप रात में रात में करके डाल देते हो क्यों क्योंकि रात में ये सारा प्रोसेस करने के बाद सिंक को जैसे बर्तन हम पोंछ कर रखते हैं ना वैसे सिंक को पोंछ कर आप डाल देंगे ना तो सुबह तक सिंक का आपकी लप मतलब साफ सुथरी पड़ी रहेगी ज्यादा गंदी है सिंक ज्यादा दाग दबे हैं, तो आप इस तरह से स्क्रबर भी ले सकते हैं तो देखिए सिंक हमारी अच्छे से साफ हो चुकी है तो अब इस तरह से हम करके सिंक को भी धुल देंगे अच्छे से और अभी देखिएगा सिंक हमारी कितनी अच्छे से साफ निकल कर आ जाती है ये देख सकते हैं गायस बहुत लंबी वीडियो है थोड़ा सा टाइम ज्यादा है तो बोलने में थोड़ी सी अगर दिक्कत हो तो प्लीज समझिएगा अवॉइड करिएगा सकते हैं से, से से कपड़े करके डाल देंगे अब इस तरह रात भर पड़ी रहेगी सिंक हमारी तो ये सूख जाएगी अच्छे से सूख जाएगी तो सारे दाग धब्बे छूट जाएंगे दोबारा दाग धब्बे नहीं होंगे नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए इस तरह से जब हम बॉटल में रिफाइंड ऑयल घी कुछ भी लेते हैं ऑयल लेते हैं तो बहुत ज्यादा इधर से निकलकर चिपचिप हो जाता है देखिए एक चीज और सबसे बड़ी दिक्कत होती है, निकल कर, रिफाइंड की बाहर गिरती भी है तो वो, वो, वो अच्छे से साफ नहीं होती चाहे वो आप स्टील की बोतल ले लें या रिफाइंड ऑयल की बोतल ले लें प्लास्टिक की बोतल ले लें कोई भी बोतल ले लें तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है अच्छा नहीं लगता इस वजह से हम क्या करेंगे इस तरह से टिश्यू पेपर लेंगे और आसपास तरह से

प्लास्टिक की डंडी लगी होती है मतलब प्लास्टिक नहीं लेकिन प्लास्टिक का एक कोट सा चढ़ा होता है जिससे हम पकड़ने पर दिक्कत नहीं होती है और इस तरह के जो पैन होते हैं जो ये हमारा है दिख रहा है आपको इस तरह के होते हैं तो इसमें ये स्टील की लगी होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो उसके लिए करना क्या है देखिए आजकल लोबर में इस तरह के नाड़े वगैरह चलते रहते हैं या आप कपड़ा ले लीजिए कोई तो इस तरह से आप बांध दीजिए गांठ लगा दीजिए देखिए थोड़ा सा एक कलर होने की वजह से धुंधला धुंधला दिख रहा है यहाँ पर तो कुछ नहीं करना बस इस तरह से आपको बांध देना इसमें गांठ लगा देनी है इसके नीचे से निकाल कर या आप जिस तरह से आप लगा पाए गांठ उस तरह से गांठ इसको लगा देनी है अच्छे से ये देखिए ये देख सकता है थोड़ा सा वीडियो यहां पर ब्लर हो गया है लेकिन आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि थोड़ा सा एक कलर की वजह से दिक्कत हो रही है देखिए इस तरह से जब इसमें ये आप बांध दोगे ना तो ये क्या है जहां पर आप पकड़ोगे वहां पर ये कपड़ा रहेगा तो आपका हाथ जलेगा नहीं नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं बहुत काम की ट्रिक है इस तरह की जो कॉक होती है चिड़िया होती है जो बच्चे खेलते हैं खेलने के बाद जब टूट जाती है चिड़िया तो क्या है? इसके पीछे का हिस्सा ये टूटता नहीं है ये बहुत सॉफ्ट होता है अच्छा होता है तो इसे फेंकना नहीं है इस तरह से आप फेविकोल से या ग्लू से किसी से भी ले लीजिए खास तौर से फेविकोल से कम चिपकता है देखिए आ, उसे आप चुपका दीजिए डबल साइड टेप ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए जो हार्ट हॉट हार ग्लू गन होती है वो ले सकते हो इस तरह से आप चिपका दोगे इससे क्या होगा ना ये डोर स्टापर का काम करेगा जो दरवाजा हमारा खट खट लड़ता रहता है पीछे से खोल दो कोई लोग तो यहाँ पर नीचा पड़ रहा था थोड़ा सा ऊंचे लगा दिया है ये ये देख सकते इससे क्या हुआ ना कहीं भी खटखट खट नहीं लड़ेगा अगर दीवार में लड़ता है तो दीवार दरवाजा तोड़ देती है ठीक है तो इस तरह से अब दीवार में अगर लड़ेगा तब दीवार नहीं टूटेगी और ये देख सकते हैं इन्वर्टर हमारा रखा था तो इन्वर्टर के बॉक्स में बहुत तेज तेज से लड़ता था ये दरवाजा तो ये हमें डर लगता था कि टूट ना जाए इस वजह से क्या है इस तरह की जब ये कॉक का पीछे का हिस्सा लगा देंगे ना तो ये डोर स्टॉपर का काम करेगा बहुत जोर से आवाज भी नहीं करेगा और ये डैमेज नहीं करेगा कोई भी चीज चाहे वो दीवार हो चाहे वो आप कोई सामान वहां पर रखे हो तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक गाइज अगर आपको कोई भी ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर जिससे कि क्या होगा ना थोड़ा सा हमको मोटिवेशनल मतलब मोटिवेट हो जाएंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी इस तरह से देखिए अब क्या करेंगे फिर एक तरीका देखिए कंगे हमने साफ तो कर लिए थे मगर इस तरह का देखिए क्या हुआ ठंडा हो गया पान कंघा था हमारा तो ये पाज जो देख रहे हो आप बिखरी बिखरी सी दिख रही हैं ठीक है ये दूसरे कंगे हैं तो ये पांच इनकी बिखरी बिखरी लग लग रही है तो उसमें डाल देंगे हम बेकिंग सोडा इससे क्या करेंगे ये कंगे हमारे साफ भी हो जाएंगे अच्छे से ठीक है जो ऑयल वगैरह है वो भी हट जाएगा साफ भी हो जाएंगे और गर्म पानी में ही डालना है गर्म पानी में डालने के बाद देखिए करना क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम साफ नहीं कंगा कर रहे हैं इस समय कॉम के जो इधर उधर पाजे जो है वो फट जाती हैं फटी फटी सी लगने लगती है इधर उधर बेरी बेरी सी लग रही है जो आपको दिखाया था अभी हमने उनको ठीक करने के लिए हम बता रहे हैं ये ट्रिक तो देखिए पहले तो जो कॉम गंदे हैं उनको अच्छे से साफ कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये देखिए इस तरह से तो साफ करेंगे और इसी गर्म पानी ठंडे पानी में हम नहीं डालेंगे इसी गर्म पानी में ही गर्म पानी का ही यूज करेंगे इस तरह से तो सारे कॉम को हम साफ करेंगे अच्छे से इस तरह से और देखिए गर्म पानी में ही इसको रखना है तो इसको पांच मिनट के लिए गर्म पानी में आप रख दोगे हॉट हॉट वाटर में इस तरह से अब हम क्या करेंगे देखिए पलट कर भी साफ कर देंगे इसको अच्छे से गाइस आप ये मत सोचेगा ये वही कंगे हैं क्योंकि कई कई तरह मतलब एक ही तरह के दो दो कंगे हमारे पास हैं तो इसलिए बता रहे हैं आपको तो ये देखिए इस तरह से उलट पलट कर हमने रख दिए हैं अब इन्हें करना क्या है देखिए इन्हें करना ये है डायरेक्ट जाकर के आपको फ्रीजर में रखना है देखिए बिल्कुल गरम गरम पाज गरम गरम कंगे हो गए थे अब डायरेक्ट फ्रिज बिल्कुल ठंडी फ्रिज में रख देना है ऊपर फ्रीजर में इससे क्या होगा ना पांच मिनट रखा रहने देना है फ्रीजर में इससे क्या होगा जो हमारी जो मतलब कॉम है इधर उधर बिखर गई थी ना तो वो एकदम से गर्म से एकदम से ठंडे में जाएंगे तो उसकी पाज जो है वो सही हो जाएंगी ये देखिए जो फैली फैली सी बिखरी बिखरी सी लग रहे थे हमारे यहाँ उससे तो पाज बोलते हैं पाज ठीक है आप यहाँ जो भी बोलते हो आप समझ जाइएगा से तो ये बिल्कुल गंगा ठीक हो जाता है तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए जब किचन काउंटर हम साफ करते हैं या किचन की फर्श साफ करते हैं या सिंक में डालते हैं पानी कुछ भी करते हैं या आपने घर में पोछा लगाते हैं तो इस तरह से आप फिटकरी ले लें एक अभी हम पोछा लगा चुके हैं इसलिए हमने थोड़े पानी में डालकर दिखाया है ठीक है इस तरह से फिटकरी डाल देंगे देखिए दूधिया सा पानी हो गया है देख सकते हैं अब आप इसे इस पानी का क्या कर सकते हैं इस पानी को आप अपने सिंक एरिया में डाल दीजिए जिससे कि फिटक्री की वजह से कीड़े मकोड़े जो हैं सारे दूर भाग जाएंगे और अगर आप घर में पोछा लगाती हैं तो इस तरह से फिटक्री पोछा वाले पानी में भी डाल सकती हैं पीस कर भी डाल सकती हैं इसी तरह से डाल सकती हैं उसके बाद उसमें दो चुटकी नमक डाल दीजिए उसके बाद आप अपने घर में पोछा लगाइए कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि मक्खी मच्छर और ये जो आपकी चीटियाँ आ जाती हैं घर के अंदर वो भी नहीं आएंगी इतना अच्छे से ये वर्क करता है देखिए ये पानी हमने डाल दिया है अपने सिंक में क्योंकि हमें सिंक में डालना था पोछा हम लगा चुके थे अब नेक्स्ट देख लीजिए इस तरह के बॉक्सेस जो होते हैं या तो हम सोहन पपड़ी लेकर आते हैं उसमें मिलते हैं और या फिर हम जैसे मशरूम वगैरह लाते हैं तो इस तरह के बॉक्स मिलते हैं तो इनको हम फेंक देते हैं इन्हें फेंके नहीं किचन में इस तरह से रख लें इससे क्या होता है ना कि आपका जल्दी से जल्दी खाना बनाना है तो कूड़ा है जैसे प्याज का छिलके हैं चाय पत्ती है तो आप इस तरह से ना भर करके रख सकते हैं उसके बाद आप जब टाइम मिले तो इसको फेंक दीजिए फेंकने के बाद अच्छे से वॉश कर लीजिए और ये फिर से यूज करने लायक बन जाता है तो अगर हमें इसे फेंकना ही है टब को तो क्यों ना हम चार से पांच बार यूज कर लें उसके बाद फेंकें जिससे क्या होगा ये अच्छा होगा क्योंकि कहीं कहीं होता है ना डस्टबिन किचन में नहीं रखते हैं तो इस टब को आप रख सकते हो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं देखिए गाइस अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज बताइएगा जरूर तो देखिए ये हमने कपूर ले लिया है कपूर की एक टिक्की इस तरह की छोटी छोटी टिक्कियां आती हैं एक एक रुपए दो दो रुपए की मिलती हैं तो कपूर को हम तोड़ लेंगे अभी देख सकते हैं हमारे किचन में कितनी सारी मक्खियां हैं मक्खियों से बहुत परेशान थे तो आप देख सकते हैं ये कपूर ले लिया है ठीक है अब कपूर में हम दो लौंग डाल देंगे अब लौंग डालने के बाद माचिस से ये कपूर में आग लगा देंगे इससे क्या होगा ना कपूर की महक और लौंग की महक से मक्खियां सारी भाग जाएंगी और निगेटिव एनर्जी भी आपके किचन से भाग जाएगी तो सच में ये बहुत अच्छी ट्रिक है तो ये सारी ट्रिक्स जो है हम यूज करते हैं अपने घर में डेली डेली रूटीन में तो इसीलिए ये सारी ट्रिक एंड ट्रिक्स ले करके आए हैं तो चलिए इस तरह से इसे जलने देते हैं साइड में रखते हैं और नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं अपनी ये देखिए आग पकड़ रही है धीरे से ठीक है और ये मक्खियां देखिएगा ये देखिए अभी देख रहे हैं देखिए दूर दूर भागने लगी जैसे जैसे ये कपूर जलेगा ना सच में मक्खियां दूर किचन से भाग जाएंगी बिल्कुल ये देखिए आप कोई भी मक्खी इसके आसपास नहीं दिखेगी तो उसको हटाते हैं साइड में आप ये देखिए इस तरह के बच्चे बच्चे जो जैम्स वगैरह खाते हैं ठीक है तो क्या होता है इस तरह के बॉक्सेस मिलते हैं तो इनका यूज हम बहुत अच्छे से ले सकते हैं जैसे कि चांदी की पायल है सोने का है मतलब गोल्ड का कोई भी चीज सामान है आप सारा कुछ इस डिब्बे में रख सकते हो और बच्चों के आप जेब मतलब बच्चों के जो पर्स है जो बैग होता है बच्चों के बैग में रख देते हो आप कहीं भी ट्रेवल करते हो तो क्या इस डिब्बे को कोई नहीं छुएगा क्यों क्योंकि उसमें सब ये जानेंगे कि इसमें बच्चों के खाने पीने की चीज है तो इसको छूने की जरूरत ही नहीं है इसलिए कोई इसे नहीं छुएगा आपकी जो भी ज्वेलरी है जो भी पैसे हैं आपके सेफ बने रहेंगे इसलिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं मोमबत्ती बरसात का टाइम चल रहा है चल रहा था पहले तो उसमें क्या होता है मोमबत्ती हमारी बहुत जल्दी पिघलने लगती है तो इसके लिए करना क्या है ये देख सकते हैं थोड़ा सा नमक इस तरह से लेना है और अपनी सारी मोमबत्ती पर अप्लाई कर देना है इस तरह से और आप क्या करेंगे अब अगर आप मोमबत्ती जलाएंगे ना तो सच पूछिए तो आपकी मोमबत्ती जैसे जो मोमबत्ती आपकी दो दिन चलती थी वो मोमबत्ती दिन चलेगी यानी दुगना चलेगी क्यों नमक की वजह से ज्यादा नहीं बहेगी आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक में इस तरह के देखिए बर्तन हैं ये बेकार हो जाते हैं तो इनको हम रात में जब हम किचन में काम खत्म करते हैं सिंक वगैरह में बर्तन धुल देते हैं इस तरह के आप ये लगा दीजिए सिंक के ऊपर इस तरह से इसे क्या होगा ना कॉकरोचेस छिप जो चाहे कॉकरोचेस होते हैं कीड़े होते हैं गंदे-गंदे जो पाइप के माध्यम से ऊपर आ जाते हैं वो नहीं आएंगे क्योंकि हमारी ढक्कन लगा होगा इसमें और बदबू भी बैड स्मेल भी नहीं आएगी तो आप समझ सकते हैं आप बोतल को भी कट करके लगा सकते हैं मगर अभी हमारे पास सारा सामान था तो हमें बॉटल कट करने की जरूरत नहीं थी इस तरह से टिफिन का ढक्कन वगैरह भी यूज हो सकता है नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक बहुत कमाल की है देखिए ये लास्ट की जो ट्रिक है वो बहुत कमाल की है ये हम हमेशा यूज करते हैं बहुत अमेजिंग सी ट्रिक है तो देख सकते हैं इस तरह का एक कंटेनर ले लेना है जिसमें हमें ऑयल रखना है साफ लेना है कंटेनर और माफ करने के लिए तो देखिए एक भर करके कंटेनर हमने निकाल लिया इसमें लगभग लग एक लीटर आ जाता है तो सेम कंटेनर दूसरा है देखिए ये साफ कंटेनर है बिल्कुल ये देख सकते हैं सर साफ और सूखा है इसमें ऑयल की एक भी बूंद नहीं है तो हम चढ़ाएंगे अपना पैन और उसमें ये डाल देंगे हम ऑयल माप के लिए लिया था ये हमने ठीक है इसको हम पलट कर कटोरी में रख देंगे जिससे कि इसका जो ऑयल है वो सारा का सारा निकल कर बाउल में आ जाएगा दूसरी और इसे हम पका लेंगे तो देखिए अच्छे से पकने लगा है अब इसमें डाल देंगे एक स्पून नमक तो देख सकते हैं एक से दो स्पून नमक डाल देंगे देखिए ऑयल कितनी तेजी से खोल रहा है इससे क्या होगा ना ऑयल के अंदर जितनी भी कालापन है ठीक है वो सारा निकल जाएगा एक तरह से ये रिफाइंड की तरह वो वर्क करेगा और इस तरह के ऑयल में अगर आप पूरी पूड़ी है कचौड़िया हैं या फिर आप पकौड़ी बनाते हो तो ये ऑयल ना बिल्कुल सोख नहीं करेंगी क्यों क्योंकि ये एकदम प्यूरीफाई हो गया है ठीक है इसलिए इसको में नमक डालना बहुत जरूरी होता है इसे हम क्या करेंगे आप ठंड थंड़, बिल्कुल ठंडा करेंगे बिल्कुल ठंडा करने के बाद में हम इसे भर कर उसी डिब्बे में रख लेंगे और ये हम काम करेंगे अब जब भी हमें मॉर्निंग में जल्दी हुई तो हमको ये नहीं रहेगा कि हमारा ऑयल कच्चा है इसमें स्मेल अलग गंदी सी आएगी फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा क्यों क्योंकि हमारा ऑयल पहले से ही पका हुआ है तो आप अगर ठंडे ऑयल में भी कोई मसाला ऐड कर देते हो तो आपका खाना खराब नहीं नहीं होगा तो देखिए हमने इसको ढक दिया था छेद वाली छन्नी से तो बढ़िया से ऑयल ठंडा हो गया देखिए उंगली डिप कर करना है ठंडा बिल्कुल, बिल्कुल तो अब हम इसे क्या करेंगे भर लेंगे अपने उसी कंटेनर में देखिए ऑयल वाले कंटेनर में नहीं भरना सूखा कंटेनर जो साफ रखा था बस उसमें भरना है क्योंकि अगर आप ऑयल वाले कंटेनर में भर दोगे ना तो उसमें तो मस्टर्ड ऑयल लगा हुआ है तो उसकी महक आ जाएगी जो कि नहीं सही होगा अब ये देख सकते हैं लास्ट में जो ये नमक बचा हुआ है उसको भी फेंकना नहीं है इसको क्या करेंगे आप गर्म कर लेंगे गर्म करने के बाद आपके अगर घुटनों में दर्द होता है हाथ में दर्द होता है कहीं भी आपकी ठंड की वजह से दर्द होता है ना तो इस तरह से आप लगा कर देखिए हम यहाँ पर डेमो दे रहे हैं बता रहे हैं आपको हाथ पर इस तरह से लगा लेंगे अच्छे से जैसे हम हाथ हाथ का बता रहे हैं हाथ की गांठ में दर्द होने लगा या हाथ में दर्द कहीं भी दर्द हो रहा है इस तरह से लगाने के बाद हम क्या करेंगे इस तरह से पॉलिथीन को बंद करेंगे और अच्छे से कपड़े से कवर कर लेंगे और ये ओवरनाइट अगर नहीं कर पा रहे हो आप तो कम से कम तीन से चार घंटे जरूर ये काम करें ये देखिए इस तरह से तो इससे क्या होगा ना जितना भी आपके शरीर में दर्द होगा जितना भी आपकी ठंडक की वजह से दर्द होगा सारा का सारा सो करेगा सारा का सारा नमक सो करके बाहर निकाल देगा और आपका हाथ दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा सच बता रहे बहुत अच्छी ट्रिक है ये बहुत पुरानी ट्रिक है जो बुजुर्ग लोग करते थे पुराने समय में उनकी ट्रिक है तो अगर ये छोटी छोटी सी वीडियो हमारी अच्छी लगी हो ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा कमेंट जरूर करा करिए और आप देख सकते हो पुराना ऑयल देखिए जो बिना पका हुआ है जो पका हुआ है अंतर आप खुद देख सकते हो कि ये कितना ब्लैक है और ये कितना साफ हो गया है ये देख सकते हैं तो जो हमने पका कर रखा है ऑयल में इसे इसमें आप किसी तरह की सब्जी बनाए कोई खराब नहीं होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ